नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। सब्जियां हम रोज़ाना बनाते हैं, कभी कुछ अच्छे स्वाद में सब्जी खाने का मन होता है तो हम भरवा सब्जियां बनाते हैं। भरवा सब्जी बनाने में थोड़ी सी देर ज़रूर लगती है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। भरवा बैंगन हम गैस पर बना चुके हैं, आज हम भरवा बैंगन माइक्रोवेव में बनाएंगे। माइक्रोवेव में भरवा बैंगन बहुत जल्दी बड़ी आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो आइए देखें, माइक्रोवेव में भरवा बैंगन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये हमने 500 ग्राम बैंगन लिए हैं, छोटी वैरायटी का बैंगन है। भरवा सब्जियों के लिए हम सब्जियों को छोटी ही वैरायटी का लेते हैं। 2-3 टेबल स्पून तेल, 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 छोटे चम्मच सौंफ पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटी चम्मच, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 पिंच हींग और 1 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक लेंगे। भरवा बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले हम ये सारे मसाले मिला करके मिक्स कर लेंगे। तो लाल मिर्च पाउडर, हींग, नमक, अदरक का पेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और अमचूर पाउडर, आधा धनिया डाल देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलने तक मिक्स कर लेंगे। अदरक के पेस्ट की जगह अदरक पाउडर भी लिया जा सकता है, या अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके डाला जा सकता है। ये हमने सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और अब हम ये मसाले बैंगन में भरेंगे। बैंगन को भरने के लिए हम बैंगन का ऊपर से डंठल काट करके हटा देंगे। और बैंगन को इस तरीके से काटेंगे कि बैंगन नीचे की ओर जुड़ा रहे। इसमें हम 2 कट क्रॉस में लगा देंगे। यानी इस तरीके से ये बैंगन को 4 भाग करते हुए काट लेंगे, लेकिन बैंगन नीचे से जुड़ा हुआ रहेगा। और इसी बैंगन में चम्मच से हम थोड़ा सा मसाला लेंगे और इस तरीके से डालते हुए, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भरना है, ये 1/2 चम्मच करीब मसाला लिया, भरेंगे और इस तरीके से बैंगन को दबाएंगे। और प्याले में हम पहले थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं। ये हमने माइक्रोवेव से प्याला लिया है और इसी में हम बैंगन को माइक्रोवेव करेंगे। तो ये बैंगन हम प्याले में लगाते जाएंगे भर करके। सारे बैंगन को हम इसी तरीके से भर कर तैयार कर लेंगे और प्याले में लगा लेंगे। और ये थोड़ा सा मसाला बच गया है तो हम बैंगन के ऊपर ही डाल देंगे ना। और अब हम बैंगन के ऊपर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे। प्याले को ढक देंगे, प्याले को माइक्रोवेव में रखेंगे और अधिकतम तापमान पर 4 मिनट माइक्रोवेव करेंगे। चार मिनट हो गए हैं, प्याले को बाहर निकालेंगे और बैंगन को पलट देंगे।
प्याले को ढक करके फिर से माइक्रोवेव में रखेंगे और 3 मिनट तक माइक्रोवेव करेंगे। तीन मिनट हो गए हैं, प्याले को बाहर निकाल लेते हैं। ये बैगन को हम 5 मिनट के लिए इसी तरीके से ढके हुए रखे रहने देंगे और इसके बाद हम इन्हें खोलेंगे। ये 5 मिनट हमारा स्टैंडिंग टाइम है, बैगन अभी भी पक रहे हैं। 5 मिनट हो गए हैं, बैगन को हम खोल लेते हैं। हमारे बैगन बन करके तैयार हो गए हैं। बैगन में थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डाल करके गार्निश कर देते हैं। माइक्रोवेव में बने हुए भरवा बैगन तैयार हैं। बहुत ही अच्छे भरवा बैगन बने हैं। इन्हें साइड डिश के रूप में परिवार के 4-5 सदस्यों को परोसा जा सकता है। माइक्रोवेव में ये हमने 500 ग्राम भरवा बैगन बनाया है और 7 मिनट का टाइम हमें लगा है। अगर 250 ग्राम भरवा बैगन बना रहे हैं तो 5 मिनट में ही माइक्रोवेव हो जाएंगे, यानी 5 मिनट में बैगन बन करके तैयार हो जाएंगे। क्वांटिटी बढ़ जाती है तो माइक्रोवेव का टाइम भी बढ़ जाता है। आप माइक्रोवेव में भरवा बैगन बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।